सो गाइस, ये रिंग लाइट और ये है ट्राइपॉड जिसकी अनबॉक्सिंग हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग तो होगी लेकिन डिटेल में, क्योंकि यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदने जाएंगे तो आपको वहां पे सिर्फ इसकी फोटो ही देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ इस रिंग लाइट की लाइट कैसी है, इस ट्राइपॉड की हाइट कितनी है, इस ट्राइपॉड का वेट कितना है, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, मतलब की फुल रिव्यू। यदि आप भी फोटो क्लिक करने में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप भी वीडियो शूट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ट्राइपॉड और ये रिंग लाइट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो चलिए करते हैं फटाफट से इस रिंग लाइट और इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग। मेरा नाम ऋषभ, आप लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले अनबॉक्स करते हैं इस वाले ट्राइपॉड को। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि आपको एक लंबा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इस वाले ट्राइपॉड को सबसे पहले अनबॉक्स। तो आप लोगों को सबसे पहले यहां से शायद टेबल छोटी पड़ रही है या कैमरा साइज स्क्रीन, यहां पे आप लोग देखेंगे कि आपको इस प्रकार से एक पैकिंग के अंदर मिलता है ये ट्राइपॉड। आपको इस प्रकार से देख लेना है, निकाल लेना है। साथ ही में यहाँ पे एक हमको मोबाइल होल्डर आया इस वाले ट्राइपॉड के साथ। तो यहाँ पे इसे अभी साइड में रख देते हैं। और आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्राइपॉड है काफ़ी लाइट वेट है और यहाँ पे आप लोग इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका वेट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अब देखना होगा कि इसकी हाइट क्या होती है। साथ ही में आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये मोबाइल होल्डर है और ये इतना स्ट्रेच हो जाता है। यहाँ पे आपको साथ ही में ये जो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ गद्दे टाइप का दिख रहा है। जब आप मोबाइल यहाँ पे अटैच करेंगे तो क्या होता है कि आप यदि लो क्वालिटी का मोबाइल होल्डर देखेंगे तो उसमें ये इस क्वालिटी ये जो देख रहे हैं आप, ये देखने को नहीं मिलता। जिससे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे मोबाइल को अपने अटैच करते हैं तो उससे मोबाइल का जो पेंट होता है वो निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे इस वाले होल्डर के साथ आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में भी और नीचे के साइड में भी दोनों की साइड ये गद्दे लगे हुए हैं, जिससे कि आपके मोबाइल की जो भी पेंट होगा आपके मोबाइल का वो नहीं निकलेगा। तो काफ़ी अच्छा ये मोबाइल होल्डर है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब चलिए इस वाले ट्राइपॉड को यहाँ से ये जो पैकिंग है इसे यहाँ पे रिमूव करते हैं। और काफ़ी अट्रैक्टिव, लाइटवेट और बहुत ही अच्छा ये ट्राइपॉड है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर केप भी दी हुई है। साथ ही में जब आप यहाँ पे होल्डर अटैच करेंगे या फिर रिंग लाइट अटैच करेंगे तो यहाँ पर आपको इसे निकाल लेना होगा। इस वाले ट्राइपॉड की हाइट और क्वालिटी चेक करने से पहले इस रिंग लाइट को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसे अब यहाँ पे रख देते हैं। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 26 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और साथ ही में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। द रिंग सप्लीमेंट लैंप इज द सुटेबल फॉर सेल्फी एंड लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ETC। इट हैज द फंक्शन ऑफ फील लाइट, ब्यूटी फेस, ब्यूटी आइज, ब्राइटनेस, स्किन ETC। इट कैन ऑल्सो एडजस्ट फॉर 3 कलर टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग यूर फेवरेट टू एडजस्ट वेरियस सेट एंड इज इक्विप्ड विथ अ वेरायटी ऑफ हाइट एंड एंगल्स इन यूज विथ फ्रेम विच इज अ ब्यूटी वेपन। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है इसके हिसाब से जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी अब ये तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देख लेते हैं। रिंग फिल लाइट लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्मार्टफोन इज नॉट इंक्लूडेड। तो यार इतने प्राइस में, इतने चिप प्राइस में कौन स्मार्टफोन इनसे मांगेगा। और साथ ही में इस सेट पर यहाँ पे लिखा हुआ है फिल लाइट एंड ब्यूटी फेस, मेक फेस एंड आइस इन ब्यूटी, नाइट कोर एक्सट्रीम, मल्टीपल कलर टेम्परेचर। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गैजेट देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए करते हैं ओपन और उसके बाद ही देखते हैं कि क्या कुछ आता है इसके साथ। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे अनबॉक्स। तो चलिए इसे कर देते हैं अनबॉक्स। देन आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएगा ये गैजेट। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक मोबाइल होल्डर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फर्स्ट मोबाइल होल्डर मिला था ट्राइपॉड के साथ। और सेकेंड मोबाइल होल्डर मिलेगा आपको रिंग लाइट के साथ, जो कि रिंग लाइट में ही इंस्टॉल होगा, बाकी कहीं आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये सिर्फ रिंग लाइट में ही काम करेगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। पर यदि बात करें दोनों मोबाइल होल्डरों की, तो यहाँ पे जो ट्राइपॉड के साथ आया है इसकी क्वालिटी कुछ अलग है, कुछ अच्छी है। और इसकी क्वालिटी भी है अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी स्ट्रेचेबल अच्छा है। तो चलिए इसे रखते हैं अभी साइड में। और साथ ही में आपको यहाँ पर कुछ और देखने को मिल जाता है, इसे भी साइड में रख देते हैं। इसे कर देते हैं यहाँ पर इसे पैकिंग को रिमूव, इसे भी रख देते हैं साइड में। साथ ही में आपको यहाँ पर एक और गैजेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कुछ मूवमेंट करवाने के लिए, इसे यहाँ पे लगा लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं कैसा करना है। इसे यहाँ पे इस प्रकार से अटैच करना होगा सबसे पहले। देन उसके बाद
इसे रख देते हैं अभी साइड में, और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक रिंग लाइट मिल जाती है बढ़िया सी, साथ ही में आप यहाँ पे ट्राइपॉड से अटैच कर सकते हैं, और साथ ही में आपको यहाँ पे बैक साइड में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और साथ ही में आप इसे वॉल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक रिमोट भी मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल, साथ ही में आपको यहाँ पे चार बटने देखने को मिल जाती है, पावर ऑन ऑफ, ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा करने के लिए और टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और साथ ही में आपको यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको एडाप्टर से कनेक्ट करना होगा आपके पास जिस भी कंपनी का होगा। मैं एमआई का यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस लाइट रहती है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ पर चेक करके बताता हूँ, उसके पहले यहाँ पर हम सारे गैजेट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस वाले पार्ट को यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस डिग्री में अपने रिंग लाइट को यहाँ पे लगाना चाहते हैं। आप इसे लॉक कर सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने इसे लॉक कर दिया है, इसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि हम अभी रिंग लाइट को स्टैंड में लगाने वाले हैं ट्राइपॉड में, यहाँ पर इसे सीधा करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना होगा, तो मैं यहाँ पर इसे लॉक कर लेता हूँ। देन यदि आपके पास यदि इस प्रकार से हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे इसे लॉक करके सीधा कर लीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल जो होल्डर मिलता है उसे यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रिंग लाइट कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए इसे ऑन करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस वाले ट्राइपॉड की क्वालिटी और हाइट चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसे यहाँ पे अटैच करना होगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। देन उसके बाद मैं आपको इसकी लाइट ऑन करके बताऊँगा, टेम्परेचर चेंज करके बताऊँगा, और साथ ही में ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके बताऊँगा, और फिर आप देखेंगे कि फेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस प्रकार से यहाँ पर इस वाले स्टैंड को यहाँ पर निकाल लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे सभी ये जो लॉक दिए हुए इसे अनलॉक कर लेना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से स्टैंड को निकाल लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे इसे अनलॉक करके यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो इसे जैसा का वैसा रख देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसे अनहोल्ड कर देते हैं। आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए मैं आपको अभी इसकी हाइट बता देता हूँ, इसे पूरा अनलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी कैमरा कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, स्पेस कम है, तो मैं इसे नीचे करके दिखाता हूँ। आप लोग इस प्रकार से इसे ओपन कर सकते हैं। यदि बात करें इसकी क्वालिटी, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस वाले ट्राइपॉड की। और यहाँ पर इसकी हाइट की बात करें तो चलिए मैं आपको इसकी हाइट बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट वाला ये ट्राइपॉड है, इतनी ऊँचाई तो मेरी भी नहीं है। यहाँ पर ऊपर लाइट है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर देते हैं, ये ब्राइटनेस कम हो गया, इतनी हाइट तो मेरी भी नहीं है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। छू लो ऊंचाइयों को वाली बात है, यहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, मतलब कि ये हाथ जा रहा है, मैं दूर खड़ा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, तो आप लोग इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप लोग इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही में आपको यहाँ पे सेकंड नीचे के साइड में भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप लोग हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी रिंग लाइट को इंस्टॉल करता हूँ। यदि आपको रिंग लाइट इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस वाली रिंग लाइट को यहाँ पर इस प्रकार से अटैच कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप उसे एडाप्टर से कनेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका ब्राइटनेस लेवल, लाइट, सो गाइस मैंने सारी लाइटें अभी ऑफ कर दिया है, तो चलिए इस वाली रिंग लाइट को अभी ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसका लाइट इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अभी इसे ऑन कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपको ये जो रिमोट मिल जाता है इसके साथ, इसमें आपको चार बटने देखने को मिल जाती है। साथ ही में आप सबसे फर्स्ट वाली से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पे एक प्लस माइनस और एक यहाँ पे चेंज करने वाली बटन देखने को मिल जाती है थर्ड नंबर पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइट चेंज करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे तीन ब्राइटनेस कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी ये फर्स्ट कलर ऑप्शन है, आप यहाँ पे इस वाली बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। आप यहाँ पे फिर से इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फेस पे जो चेंज हो जाता है कलर, ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकेंड और ये थर्ड,
और साथ ही में आपको यदि आपको यहाँ पे जिस भी ब्राइटनेस पे, जैसे कि मान लो इस वाले ब्राइटनेस में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना है, तो साथ ही में आपको यहाँ पे प्लस और माइनस की यहाँ बटन देखने को मिल जाती है। तो आप जैसे यहाँ पे प्लस माइनस पे यहाँ पे करेंगे, प्रेस करते जाएंगे, तो ये जो ब्राइटनेस आप लोग देख रहे हैं ये कम होता जाता है। आप इसे वापस से बढ़ा सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने ब्राइटनेस की ज़रूरत है, कितने ब्राइटनेस आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा ये ब्राइटनेस कलर है, काफ़ी अच्छी है, रिंग लाइट है, काफ़ी अच्छे इसके कलर्स ऑप्शन है, और साथ ही में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में आप यहाँ पे लाइट जो ब्राइटनेस है चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और यदि आप इसे चाहे आप पिक्चर क्लिक करने में या फिर आप वीडियो शूट करने में यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी है, हो सकती है आपके लिए। और अभी मैंने जो मोबाइल होल्डर है उसको रिंग लाइट के बीच में सेट किया हुआ है, तो ये बैकग्राउंड जो आप लोग देख रहे हैं मतलब कि ऐसा लाइट आ रहा है, काफ़ी अच्छी है, रिंग लाइट है, काफ़ी अच्छे इसके कलर्स ऑप्शन है। साथ ही में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेट कर सकते हैं, और काफ़ी एट्रेक्टिव मतलब कि ये बना देती है आपके वीडियो को, आपकी इमेजेस को, आपकी फोटो को। आप इसे फोटो क्लिक करने में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे वीडियो शूट करने में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में आप इस रिंग लाइट और इस ट्राइपॉड के साथ अपने मोबाइल को कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डिग्री में आप इसे चेंज कर सकते हैं, रिंग लाइट को आप किसी भी डिग्री में चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे आपको इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे गैजेट हो जाता है। इस ट्राइपॉड की तो बहुत ही लाइट वेट है, इसे कैरी करने में भी बहुत ही आसानी होती है। यदि आप जाएंगे उन पुराने वाले ट्राइपॉड की तरफ, मतलब कि जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो इस टाइप के जो ट्राइपॉड आते थे, ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, लेकिन इस वाले ट्राइपॉड में आपका बहुत कम स्पेस में काम हो जाएगा, ये उतनी ज़्यादा जगह नहीं लेता है, और काफ़ी अच्छा ये ट्राइपॉड है, आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, और ये इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है तो इसे कैरी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ ही में आपको यहाँ पे इस वाले रिंग लाइट में तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में आप इस रिमोट से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, साथ ही में आपको यहाँ रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। यदि आप भी वीडियो शूट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप भी फोटो क्लिक करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बहुत ही यूजफुल ये आपके लिए गैजेट हो जाता है। यदि आप भी इस वाले ट्राइपॉड और इस रिंग लाइट को खरीदना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने एरिया में शॉप में पता कर लीजिए वहाँ पर इसका प्राइस क्या है। यदि लगे आपको वहाँ ज़्यादा प्राइस लग रहा है तो आप मेरे थ्रू भी परचेस कर सकते हैं, आपको नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना होगा, साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, आपको मेल करना होगा, उसके बाद मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट करूंगा और सारी डिटेल बता दूंगा। यदि आपको आपके एरिया में मिल जाता है तो अच्छा है, बाकी बहुत ही अच्छा ये गैजेट है, बहुत ही अच्छी रिंग लाइट है, बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। यदि आप भी वीडियो शूट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, फोटो क्लिक करने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यदि आपके पास अच्छा मोबाइल है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी अच्छा मोबाइल नहीं है, फिर भी मेरे पास ये रिंग लाइट और ये ट्राइपॉड है। तो गाइस यदि आपको चाहिए होगा तो आप ईमेल आईडी पे, टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।